और इस तरह का कहीं से भी आपको बैरिंग निकालना हो तो आप ऐसा पुलर बना के उससे बैरिंग आप निकाल सकते हो। जल्दी करने के लिए आप गलत तरीका ना अपनाएं, हमेशा इस चीज़ का ध्यान दें। और आपको अगर ऐसा कोई भी काम करवाना है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप वो सारी चीज़ें करवा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मौर्य ई रिक्शा इंजीनियरिंग में आपका स्वागत। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं अपनी मिनी थार का आज कुछ ब्रेक संबंधित काम कर रहा था और सर्विस इसकी पूरी कर रहा था, तो सोचा आपसे भी इसकी वीडियो साझा की जाए। तो आज मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरी मिनी थार है और जो मैंने खुद बनाई है, और आप कहीं कहीं इसको बहुत है और फंसाने के बाद आप इसका रिंच लगा करेंगे आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें जब लोग चोट मार के निकालते हैं दोस्तों पूरे एक्सल पर दाग पड़ जाती है, जिससे एक्सल की लाइफ हमारी काफ़ी कम हो जाती है। तो लोग समझ नहीं पाते कि आखिर एक्सल इतना जल्दी ड्रम हमारा क्यों कट जाता है या एक्सल इतना जल्दी क्यों खराब है। देख सकते हैं दोस्तों, आप बिल्कुल एक उंगली से ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल आसानी से देखिए आप कितनी आसानी से ये बेरिंग पूरी बाहर आ गई और कोई टूट फूट भी नहीं हुआ और कोई बहुत ज़्यादा ताकत भी नहीं लगी निकालने में। बिल्कुल आसानी से हमारा ये देख सकते हैं एक्सल दोस्तों बाहर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप तरीके से काम करेंगे और सही तरीका अपनाएंगे काम करने का, तो आपको काफ़ी नुकसान होने से बचेगा और अगले का भी काफ़ी कम नुकसान होगा, क्योंकि कस्टमर क्या है, कस्टमर तो हमको काम दे देता है लेकिन हम जिस तरीके से चाय करते रहते हैं। तो दोस्तों आप भी थोड़ा सा अपने काम के तरीकों को बदलें और कस्टमर के लिए भी काफ़ी फायदा रहेगा, जल्दी उनकी सामान ख़राब नहीं होगा। देखेंगे दोस्तों आप कहीं भी कोई एक्सल पर कहीं दाग नहीं, बिल्कुल भी कोई दाग नहीं पड़ी है और एक्सल बैरिंग के साथ हमारा कितना आसानी से निकल गया दोस्तों। तो बैरिंग को हम वॉश कर लेते हैं, वॉश करने के बाद आपको वीडियो कंटिन्यू करते हैं, तो इसको हम पहले वॉश कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और दोस्तों एक गलती और लोग करते हैं इस बैरिंग का जेड निकालने के लिए, काफ़ी लोगों में देखता हूँ जेड काफ़ी ख़राब कर देता है, तो आप ऐसा छोटा सा पतला सा नुकीला सा बिल्ली वगैरह पीट के बना लें और आप आसानी से अंदर खिस्से में ऐसे डालेंगे और एक जगह देखेंगे आपका बिल्कुल सीधा एकदम आपका ये जो आपका बैरिंग का जो जेड लगा रहता है आसानी से खुल जाता है। इसी तरह आप लोहे वाला भी जेड निकाल सकते हैं, कुछ लोग क्योंकि ऐसा देखते हैं इतना बुरा तरीके से जेड निकाल देते हैं, कुछ जेड फिर जेड का कोई काम ही नहीं रह जाता है। और दोस्तों एक चीज़ और करें, आप कभी भी जैसे देखते हैं लोग, बहुत लोग क्या करते हैं कि बैरिंग को अच्छे से साफ नहीं करते हैं, तो दोस्तों अभी मैं इस पर आप देख सकते हैं इसकी बैरिंग में जब मैं जल्दी ग्रीस लगाया था, नई बैरिंग डाला था, तो इसमें बिल्कुल कचरा नहीं था, इसलिए हम इसको वॉश नहीं करके डायरेक्ट इसमें ग्रीसिंग कर देंगे। लेकिन अगर दोस्तों इसमें कचरा रहा तो आप बिना वॉश किए ग्रीस ना भरे इसमें, इससे आपकी बैरिंग की लाइफ काफ़ी कम हो जाएगी। मैं अभी जो जल्दी में इसका बैरिंग चेंज किया था उसमें ग्रीसिंग वगैरह नहीं किया था, लेकिन आपको दिखा है आज मैं इसकी ग्रीसिंग करके ही आपको पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ। और एक चीज़ और लोग करते हैं दोस्तों, काफ़ी लोग क्या करते हैं ग्रीस बहुत ज़्यादा मात्रा में भरते, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी ग्रीस नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मात्रा में ग्रीस भरते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो ग्रीस बाहर फेंकने लगता है, तो फिर कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है जिससे ब्रेक्स वगैरह पर जाकर ग्रीस चिपक जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है ब्रेक्स वगैरह स्लिप करने लगता है। जैसा दोस्तों देख रहे हैं जो जितना भी एक्स्ट्रा ग्रीस है इसको हम अच्छे से करके ऐसे निकाल लेंगे ग्रीस को, जितना एक्स्ट्रा ग्रीस रहेगा दोस्तों उतना ये ज़्यादा बाहर फेंकेगा जब भी घूमेगा बैरिंग, तो कभी भी बैरिंग में एक्स्ट्रा ग्रीस न डालें। और एक चीज़ और दोस्तों, जब भी आप ग्रीस वगैरह कर ले तो इसको अच्छे से साफ कर ले, क्योंकि यहाँ पे आलसील चलती है, अगर यहाँ पे ज़्यादा कचरा रहेगा तो आलसील हमारी जल्दी कट सकती है। और एक चीज़ और दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि एक्सल का ये दाँता जल्दी घस क्यों जाता है, तो लोग क्या करते हैं निकालते हैं और ऐसे ही डाल देते हैं, तो कभी भी एक्सल को आप डालें तो इसको दाँते पर अच्छी क्वालिटी का और अच्छे से ग्रीस लगा के ही डालें, आपका एक्सल सालों साल चलेगा दोस्तों और जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मेरे यहाँ खुद बहुत सारी ऐसी गाड़ी आती है जो तीन तीन साल चार चार साल की हो गई है लेकिन आज भी उनका एक्सल वही कंपनी का चल रहा है। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी का काम करना है और अच्छी क्वालिटी में कस्टमर को काम देना है तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करके अच्छी क्वालिटी का काम कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने चारों तरफ इसके अच्छे से ग्रीस लगा दी है और आइए अब इसको अंदर हम लगा देते हैं। अब इसको देख लेंगे दोस्तों, अगर घुमा के खांचे फंस गया तो उसके बाद फिर आराम से हम इसको चारों तरफ से इसको ऐसे करके तो अच्छे से बैरिंग को बैठा लेंगे, क्योंकि बैरिंग अगर अच्छे से बैठी नहीं रहेगी दोस्तों तो उसकी लाइफ तब भी कम हो जाएगी, क्योंकि बैरिंग अगर टेपर चलेगी टेढ़ा चलेगी तो भी उसकी लाइफ काफ़ी कम हो जाएगी। और एक चीज़ दोस्तों आप ध्यान रखें, कभी भी आप ड्रम प्लेट निकाल दें तो आप अच्छे से ऐसे करके पूरा ऐसे घुमा घुमा के इसमें तेल डाल दें ताकि इस पार से उस पार तक चला जाए, जिससे आपकी केम जल्दी ये कटेगी नहीं और आपका ये कभी ये जाम नहीं होगा।
जिससे आपका ब्रेक कभी पकड़ने की शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत रहता है ब्रेक पकड़ लेता है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हमने तेल उधर से डाला था लेकिन इधर तक तेल आ चुका है। तो आइए इसको फटाफट फिट कर लेते हैं, और टाइट करने के बाद इसमें ब्रेक शू वगैरह भी लगा लेते हैं, फिर आपको इसको रोड पर चला के दिखाएंगे कि इसकी ब्रेक अब कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है। क्योंकि दोस्तों इसके ब्रेक में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी, ब्रेक बिल्कुल इसका काम करना बंद कर दिया था, और उधर की आयल सील लीक हो गई थी जिससे ब्रेक शू पर काफ़ी ऑयल आ गया था, इससे इसका ब्रेक शू काम करना बंद कर दिया था। किसे मार देते इसी। और दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रम ऐसे निकालते हैं लगा देते, तो आप हमेशा ध्यान रखते दोस्तों उसके अंदर जो कार्बन रहता है इसको अच्छे से साफ कर लें, और जब आप अच्छे से साफ कर लेंगे तो आपकी ब्रेकिंग कभी स्लिप नहीं करेगी, और जहाँ भी आप ब्रेक अप्लाई करेंगे आपकी ब्रेक काफ़ी अच्छी और स्मूथ रहेगी। जैसा कि आप दोस्तों ये देख पा रहे हैं काफ़ी इसमें कार्बन आ जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी इसमें डस्ट और कार्बन हो जाता है। इस चीज़ को अच्छे से पॉलिश पेपर या रिंगमार पेपर की सहायता से आप इसको अच्छे से साफ कर लें, ताकि आपको ये अच्छी ग्रिप और अच्छी पकड़ दे। तो दोस्तों देखा आपने, हमने इसका ब्रेक काफ़ी अच्छा बना दिया, और काफ़ी अब अच्छा ब्रेक इसका लगने लगा है। और कुछ लोग थोड़ा सा पूछते हैं भैया हम क्या करते हैं, तो भैया हमारा देख लीजिए ये रिपेयरिंग का काम है, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे मौर्या ई रिक्शा स्कूटी रिपेयरिंग सेंटर भवरनाथ जुनेदगंज रोड बिजौरा आजमगढ़ जिला पड़ता है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि हमारे मिनी थार का भी फोटो इसमें लगा हुआ है जो हमने बनाई है खुद, और इसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारा मिल जाएगा। और एक चीज़ आप दोस्तों देखेंगे, अब गाड़ी चलाए बिना डीजल पेट्रोल के, तो दोस्तों इसमें हमारा सारा कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और आपको अगर ऐसा कोई भी काम करवाना है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप वो सारी चीज़ें करवा सकते हैं।